नमस्कार, टारगेट ऑन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं नवीन शर्मा आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी लोग? सो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य शुरू किया और उसके सारे पहलुओं को हम लोग समझ पाए थे। एक अंतिम शासक बचा हुआ है जो कि औरंगजेब, और इसके बाद देखते हैं मुगल साम्राज्य कहीं ना कहीं पतन की ओर चल पड़ता है। इसके उत्तराधिकारियों से तो प्रश्न बनने बड़े संभावित हैं कि जो आपके MTS के लिए कहीं ना कहीं रहे, है ना। तो औरंगजेब के संदर्भ में आप ध्यान रखें जो जो चीजें अभी बताई जाएंगी। उसके बाद कहीं ना कहीं हम विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की तरफ रुक कर चलेंगे, जो दक्षिण भारत में दो राज्य स्थापित हुए। अब देखेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा कि मोहम्मद बिन तुगलक उसके समय पे ही दक्षिण भारत में अब देखेंगे विद्रोह होने लगे, है ना। और उन विद्रोहों में कुछ स्वतंत्र शासक भी निकल के आए, जिसमें विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, ठीक है, उसके संदर्भ में बात करेंगे। और आपको बता दें कि आप सभी बच्चे SSC MTS के इस निःशुल्क बैच को देख रहे हैं, जिसमें 30 दिन का हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्मेट लेके चल रहे हैं और 30 दिन हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस इसमें करने वाले हैं। टोटल 60 दिन के अंतर्गत ये आपका कंप्लीट मामला होने वाला है, है ना। तो एक भी क्लास को मिस ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर हम लोग बात करें जो आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, परीक्षा के अनुरूप है। तो आइए औरंगजेब हेडलाइन दीजिएगा। और 1658 से लेकर 1707 से लेकर औरंगजेब हेडलाइन दीजिएगा। औरंगजेब हेडलाइन दीजिएगा मुगल वंश का ये अंतिम टैलेंटेड शासक जिसके बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। 1658 से लेकर 1707 ईस्वी, इसके बारे में समझ पाए कि ये सबसे क्रूर शासक बताया गया है। जहां पे अगर हम लोग सूफी आंदोलन की बात करें तो उसमें बताया जाता है कि ईश्वर का अगर आप स्मरण करना चाहते हैं तो आपको संगीत का सहारा लेना होगा। और ये संगीत का विरोधी, कहीं ना कहीं संगीत का विरोधी तो है लेकिन वीणा बजाता है, वीणा वाद्य यंत्र बजाता है, है ना। वहीं पे नक्शबंदी सिलसिला जो हम लोगों ने सूफी आंदोलन के अंतर्गत हम लोग देखे हैं, उसमें ये नक्शबंदी सिलसिले को ये फॉलो करता है, उसका अनुयायी है। लेकिन उससे पहले कुछ इसके जीवन परिचय के बारे में। जन्म इसका 1618 ईस्वी में हो रहा है। जन्म कब हो रहा है? इसका जन्म 1618 ईस्वी में, 1618 ईस्वी में इसका जन्म होता है। इसकी पत्नी का नाम ध्यान रखें। इसकी पत्नी का नाम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने जो देखा ताजमहल जो बना शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया, ये भी अपनी बीवी के लिए बनवाता है, लेकिन उसे कहा गया ताजमहल की नकल कर दी है इसने, ताजमहल की फुलहड़ बना दिया है, है ना। हालांकि एग्जैक्ट तो ताजमहल नहीं बन पाया, बट फिर भी लगभग आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा उसी का टू कॉपी है, है ना। तो इसकी पत्नी का नाम है दिलरास बानो बेगम। इसकी पत्नी का नाम है दिलरास बानो बेगम, है ना, दिलरास बानो बेगम। और इसी को कहा गया राबिया बीबी। किस नाम से जान रहे हैं? राबिया बीबी के नाम से इसको जान रहे हैं, राबिया बीबी। इसी का मकबरा बनवाता है जिसको बीबी का मकबरा कहा जाएगा आगे चल के, इसमें देखेंगे हम लोग। देखिये, ये मुगल वंश का एकमात्र शासक, आपने पढ़ा हुमायूं के बारे में, उसने दो बार शासन किया। एक बार जब शासन में आया तब, और जब निर्वासन काल 15 साल का रहा, फिर जब वो वापसी किया मच्छीवाड़ा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध लड़ने के बाद दोबारा हिंदुस्तान का शासक बना। लेकिन मुगल वंश में एकमात्र शासक जो दो बार राज्याभिषेक करवाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, और वो इसके संदर्भ में है। तो मेंशन करेंगे कि मुगल वंश का एकमात्र शासक, लिखेंगे इसमें बना के कि मुगल वंश का एकमात्र शासक जिसने दो बार राज्याभिषेक करवाया, देखिए दोनों प्रश्नों में अंतर है। दो बार शासन किया वो अलग है, दो बार राज्याभिषेक करवाया ये अलग पॉइंट है। और मुगल वंश का एकमात्र शासक है जिसने दो बार करवाया है, और कौन है? औरंगजेब। यहाँ पे ध्यान रखना है, औरंगजेब। वो दो बार कब करवाया है? 1658 और 1659, ये ईयर याद रख सकते हैं। 1658 कब करवा रहा है? 1658, और अगला राज्याभिषेक करवाता है 1659, ठीक है जी। दो ईयर कब इसने राज्याभिषेक करवाया, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जरा समझ पाए, मुगल वंश का ये भी एकमात्र शासक माना जाता है जिसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू शामिल हुआ करते थे। यानी अब तक जो बाकी मुगल रहे
हिंदुओं की संख्या कम थी। हालांकि अकबर के समय पे हिंदू नवरत्न देखने को मिलता तो है, जिसका नाम है बीरबल, और उसका महेशदास नाम हम लोग देखे थे, महेशदास, तो वो एकमात्र हिंदू जो उसके नवरत्नों में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है ना। इसमें लिखेंगे कि ये भी एक मिनट और लिखें, मुगल वंश का एकमात्र शासक, इसमें एक मिनट और लिखें, मुगल वंश का एकमात्र शासक, मुगल वंश का एकमात्र शासक जिसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू थे, सर्वाधिक हिंदू थे, ठीक है जी। तो सर्वाधिक हिंदुओं की संख्या किसकी सेना में देखने को मिलती है, तो यहाँ पे नाम आप जरूर ध्यान रखें, औरंगजेब के समय पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हिंदुओं की सेना, ठीक है। ऐसा ये भी बताया जाता है कि इसके व्यक्तिगत जो इसका चारित्रिक गुण रहा, उसके चलते इसको जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जिंदा पीर किसको कहा गया है, शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया है, याद आ रहा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, हम पढ़ चुके हैं कि शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलवाया, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा गया है, इसके बारे में एक पढ़ो लिखेंगे। नेक्स्ट मिनट बना के लिखें कि औरंगजेब, ऐसे लिखेंगे, इसकी व्यक्तिगत चारित्रिक गुण के कारण, गुण के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर किसे कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान रखना है, जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जा रहा है, औरंगजेब, ठीक है जी। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जा रहा है, सर्वाधिक हिंदुओं की संख्या है इसकी सेना में, ये पॉइंट यहाँ पे जरूर ध्यान रखें। और इसका सबसे बड़ा विवाद होता है शिवाजी के संदर्भ, हालांकि मराठा वंश जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे और स्पष्ट होगा, बट फिर भी एक संधि रहेगी जिसका नाम ध्यान रखना है, पुरंदर की संधि, और औरंगजेब के बिहाफ से जयसिंह और शिवाजी के मध्य होती है। शिवाजी को कई बार ये जेल में बंद करता है, लेकिन शिवाजी बच के निकल जाते हैं, और उनके संदर्भ में एक शब्द का प्रयोग करता है, ये तो पहाड़ी चूहा है। तो पहाड़ी चूहा शिवाजी को कहा गया, और किसने कहा, औरंगजेब ने, है ना। तो 1665 में, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई, किस किस के बीच, नाम ध्यान रखना है, जयसिंह और शिवाजी के बीच, किनके बीच हो रही है, दो लोगों का नाम ध्यान रखना है, जयसिंह और शिवाजी के बीच, यहीं पे नोट डाल के एक पॉइंट और मेंशन कर लें, पहाड़ी चूहा ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो लिख लेंगे, औरंगजेब द्वारा शिवाजी के लिए प्रयुक्त शब्द, इस शब्द का प्रयोग औरंगजेब ने किया है शिवाजी के लिए, कि भाई ये तो पहाड़ी चूहा है, ये तो जब देखो भाग के निकल जाता है, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, पकड़ तो लिए एक आध बार लेकिन धोखे से, है ना। तो फाइनली फिर उसको बंद कर देते हैं और फिर ये बच के निकल जाते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ दक्षिण अभियान भी करता है, वहां पे क्षेत्रों को जीतता है और अपने मुगल वंश में उनको ऐड करता है, ये मामला देखने को मिलता है। लेकिन इसके संदर्भ में कुछ धार्मिक नीतियां भी देखने को मिलती हैं। आपने पढ़ा था बलबन ने नौरोज त्योहार बनवाना शुरू किया था, है ना, नौरोज त्योहार ईरानी त्योहार था, उसको ये बंद करवा देता है। आपने देखा जजिया कर शुरुआत में लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, फिर अकबर ने उसको बंद करवाया जजिया कर, है ना, और फिर औरंगजेब इस जजिया कर को फिर लगा देता है। धार्मिक नीति के संदर्भ में ये पॉइंट देखने को मिलता है। और आप देखेंगे मुहर्रम त्यौहार, जो कि मुस्लिम धर्म का एक त्यौहार माना जाता है, ये उस पे भी प्रतिबंध लगा देता है ना। छोटा सा सबहेडिंग दीजिएगा, औरंगजेब की धार्मिक नीतियां, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले आप ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ जी, हेडलाइन दीजिए औरंगजेब की धार्मिक नीतियां,
हेडलाइन दीजिएगा औरंगजेब की धार्मिक नीतियां, औरंगजेब की धार्मिक नीतियां, औरंगजेब की धार्मिक नीतियां। इसमें पहला पॉइंट ईरानी त्योहार नौरोज के मनाने पर प्रतिबंध कर दिया। नौरोज के मनाने पर प्रतिबंध कि कोई त्योहार ये नहीं मनाया जाएगा, नौरोज त्योहार, ठीक है जी। ईरानी त्योहार है नौरोज, इसको शुरू किसने करवाया था, बिल्कुल भूलना नहीं है, ध्यान रखेंगे। शुरू किया किसने, गयासुद्दीन बलबन ने इसको शुरू किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पे ध्यान रखना है कि मुहर्रम त्योहार पर प्रतिबंध, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, जजिया कर फिर से लगाए, है ना। तो जजिया कर लगाने का जो मामला रहा इसका, वो ईयर याद जरूर रखेंगे, 1679 लिख लेंगे, 1679 में, 1679 ईस्वी में जजिया कर फिर से लागू किया। जजिया कर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जजिया कर के संदर्भ में, जजिया कर की अगर बात करें तो जजिया कर शुरू किसने किया था, जजिया कर शुरू तो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया, लेकिन आगे चल के अकबर के द्वारा इसे हटा दिया गया। दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। और अब देखिए, फिर इसको शुरू कर दिया गया औरंगजेब के द्वारा, ठीक है जी। थोड़ा सोपा कर देते हैं, ये औरंगजेब की धार्मिक नीति, जहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। हमने पढ़ा था मोती मस्जिद बनवाया था शाहजहां ने, है ना, लाल किला शाहजहां ने बनवाया है, लेकिन दिल्ली का जो लाल किला है, जो शाहजहां बनवाया है, उसमें एक मोती मस्जिद का निर्माण है जो औरंगजेब करवाता है। कला के संदर्भ में ये जानकारी इसकी प्राप्त होती है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बना के, कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया, ठीक है। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब करवा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, सूफी सिलसिलों में औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था, ठीक है जी। जो नक्शबंदी सिलसिला है, ये संगीत का विरोध करता है, ठीक है जी। संगीत का विरोध करता है कि ईश्वर का सहारा लेने के लिए, ईश्वर को याद करने के लिए आप संगीत
समा इसका आप सहारा लीजिए। लेकिन औरंगजेब, औरंगजेब की अगर बात करें तो औरंगजेब के संदर्भ में ये भी संगीत का विरोध करा, लेकिन स्वयं वीणा वाद्य यंत्र बजाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? वीणा वाद्य यंत्र बजाता था, वीणा वाद्य यंत्र बजाता था। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। अब देखिए वीणा की चर्चा फिर से देखने को मिल रही है। ठीक है जी, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें। अब जो इसकी पत्नी है ना, जो इसकी पत्नी है राबिया बेगम, उसका मकबरा बनवाता है और किस नाम से जाना गया, कहाँ पे है, ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे कि बीबी का मकबरा, इसमें लास्ट पॉइंट और याद रखें औरंगजेब के संदर्भ में कि बीबी का मकबरा नाम से जाना जाता है ना। औरंगजेब बनवा रहा है, कहाँ बनवा रहा है, औरंगाबाद में। औरंगजेब ने बनवाया औरंगाबाद में, इसको बनवाया किसने, औरंगजेब द्वारा बनवाया गया, औरंगजेब द्वारा बनवाया गया और कहाँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है जी, यहाँ पे ध्यान रखें। और बीबी के मकबरे को ही, इसी को ही ताजमहल की नकल कहा गया है, इसी को ही ताजमहल की नकल कहा गया है, इसी को ही ताजमहल की नकल कहा गया है। ताजमहल की नकल किसे कहा गया, बीबी के मकबरे को, और बीबी कौन है, ताजमहल, सॉरी औरंगजेब की पत्नी है ना, ताजमहल की नकल। क्लियर जी? हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये था मामला आपका मुगल वंश के अंतिम शासक औरंगजेब के संदर्भ में। अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की तरफ रुख करते हैं, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे दक्षिण भारत में विद्रोह हो रहे हैं, हालांकि काफी हद तक विद्रोह ये सेटल करता है, लेकिन कुछ स्वतंत्र शासक अपनी सत्ता स्थापित कर जाते हैं। हेडलाइन दीजिएगा विजयनगर साम्राज्य और 1336 से लेके 1678 विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेके, यहाँ पे ध्यान रखना है, 1678 ईस्वी तक का वो टाइम जब विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थापित हुआ है। हेडलाइन दीजिएगा विजयनगर साम्राज्य, है ना, इसके बारे में समझते हैं जरा। देखिए ये मध्यकालीन भारत में जहाँ पे आपने देखा सारे मुस्लिम शासक कहीं ना कहीं भारत में शासन कर रहे हैं, आपने देखा चाहे दिल्ली सल्तनत हो, मोहम्मद गौरी हो, तुर्क हो, है ना, अफगान हो, उसमें उन सबके बीच ये पहला हिंदू राज्य है आप कह सकते हैं जो विजयनगर साम्राज्य के रूप में सामने आया। अब तक सारे कोई ना कोई मुस्लिम है, अफगान है, अरब है, अरब से रहने वाला है, तुर्की है, मंगोल है, लेकिन पहला हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य। एक पॉइंट बना के लिखेंगे कि मध्यकालीन भारत का पहला हिंदू राज्य, पहला पॉइंट बना के लिखेंगे कि मध्यकालीन भारत का पहला हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य था पहला हिंदू साम्राज्य। ठीक है जी, तो प्रश्न पूछने बनते हैं यहां से। अब यहाँ पे जरा समझ पाए कि इसकी स्थापना, देखिए दिल्ली में इसकी स्थापना हो रही है ना, आई मीन माफी चाहते हैं, दक्षिण भारत में इसकी स्थापना हो रही है 1336 में। स्थापना कर रहे हैं दो भाई हैं, हरिहर और बुक्का, इनके नाम ध्यान रखते हैं, हरिहर और बुक्का नामक ये इसकी स्थापना कर रहे हैं, और ये संगम वंश बेसिकली कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आता है। विजयनगर साम्राज्य पूरे इस साम्राज्य के अंतर्गत, जैसे दिल्ली सल्तनत साम्राज्य देखे थे आप, उसमें 5 राजवंश थे, ऐसे विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश आते हैं। लेकिन सबसे पहले हरिहर बुक्का इसको स्थापित कर रहे हैं, पहला पॉइंट बना के लिखेंगे कि 1336 ईस्वी में, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखें, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने इसकी स्थापना की,
हरिहर बुक का दो भाइयों ने इसकी स्थापना की। हरिहर बुक्का दो भाइयों ने इसकी स्थापना की। हरिहर और बुक्का नाम ध्यान रखना है। हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने इसकी स्थापना की। क्लियर है यहाँ तक? दो भाइयों ने इसकी स्थापना की। और ये अब अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो पूरा 342 वर्षों तक का इतिहास ये मामला रहा, है ना। पूरा 342 वर्षों तक का मामला, लगभग 342 वर्षों का ये इतिहास देखने को मिलता है। और इस 342 वर्षों में चार राजवंश निकल के आते हैं। चार राजवंश, एक एक करके बात कर लेते हैं। इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में चार राजवंशों का अस्तित्व रहा। विजयनगर साम्राज्य में, नेक्स्ट पॉइंट, विजयनगर साम्राज्य में चार राजवंशों का अस्तित्व रहा। चार राजवंश, बिल्कुल स्पष्ट रहे कौन कौन हो रहे हैं। चार राजवंश स्थापना तो कर रहे हैं हरिहर और बुक्का, ठीक है जी। भारत का पहला हिंदू साम्राज्य। क्लियर यहां तक? इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। अब चार राजवंश कौन कौन से हैं एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। एक तरफ लिखिएगा संस्थापक। बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न आपको यहां से देखने को मिल सकता है। संस्थापक पहला लिखेंगे संगम वंश। इस विजयनगर साम्राज्य में भी संगम वंश आता है। दक्षिण भारत के इतिहास में भी हमने संगम काल पढ़ा था, है ना। दक्षिण भारत का इतिहास प्राचीन भारत के संदर्भ में, लेकिन यहाँ पे भी विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश निकल के आ रहा है और इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का ही है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक बोले तो वही है, उसी में चार राजवंश है। पहले संगम वंश, जिसके संस्थापक हरिहर बुक्का, है ना। तो पहला है संगम वंश और इसके संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का, दोनों भाई हैं। तो पहला संगम वंश, जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का, ठीक है। दूसरा राजवंश सालू वंश, सालू नरसिंह इसके संस्थापक कहीं ना कहीं मिलते हैं, है ना। दूसरा लिखेंगे सालू वंश और इसके संस्थापक कौन है? सालू नरसिंह। ये नाम याद रखना आसान है, इसी नाम पे है, सालू नरसिंह, ठीक है जी। ये संस्थापक है सालू नरसिंह। अगला है तुलुव वंश की बात करें तो वीर नरसिंह इसके संस्थापक हैं। कौन है? तुलुव वंश। अगला लिखेंगे तुलुव वंश और इसके संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह इसके संस्थापक। क्लियर है जी। अगला लास्ट वंश अरविडु वंश इसके संस्थापक तिरुमल अरविडु। अगला चौथा राजवंश अरविडु और इसके संस्थापक तिरुमल, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझिए, यहां प्रश्न कैसा है। आपसे प्रश्न यही बोलेगा कि विजयनगर साम्राज्य में जो राजवंश रहे किसका संबंध इससे नहीं है, तो विकल्प से देख लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न बन सकता है जैसे इंडिविजुअल आपसे पूछ ले कि भाई सालू वंश के संस्थापक कौन है। अगला आपसे पूछ ले अरविडु वंश के संस्थापक कौन है? तिरुमल। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि एक तरफ आपको ये लिख के दे दे केवल और ये आपको जिगजैग करके दे दे भैया मिलान कीजिए, तो उसके लिए भी सतर्क रहना है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और नेक्स्ट हेडलाइन दें संगम वंश। संगम वंश, ठीक है जी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्थापक तो आपको पता लग गया, हरिहर बुक्का ही है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करें, उसी के अंतर्गत संगम वंश। संस्थापक कौन है? हमने बात कर ली इनके बारे में,
संस्थापक है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना कर रहे हैं, है ना। राजधानी बना रहे हैं आनेगोडी, आनेगोडी को राजधानी बनाते हैं, हालांकि बाद में विजयनगर को राजधानी में तब्दील कर देते हैं, है ना। तो पहली राजधानी कौन सी है, आनेगोडी, ये राजधानी बना रहे हैं आनेगोडी, आनेगोडी, और ऐसे लिख लेंगे, और बाद में, और बाद में विजयनगर, बाद में विजयनगर स्थापित कर दी गई, विजयनगर स्थापित कर दी गई, बाद में विजयनगर इनकी राजधानी स्थापित कर दी गई संगम वंश के संदर्भ में। क्लियर है जी। और इनके जो गुरु हैं उनका नाम पूछा जा सकता है, गुरु विद्यारण्य, विद्यारण्य, है ना। इनके गुरु का नाम ध्यान रखना है, इनके गुरु कौन थे जिन्होंने, जिनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त की, तो विद्यारण्य, इनके गुरु का नाम है विद्यारण्य। तो ये तीन फैक्चुअल पॉइंट हरिहर और बुक्का के संदर्भ में यहाँ पे ध्यान रखें। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे टोटल मिला के बताया जाता है 36-37 विद्रोह हुए हैं दक्षिण भारत में, है ना, जिनमें पूरे भारत में लगभग, जिनमें 27 विद्रोह दक्षिण भारत से ही थे, हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक से भी इनका विद्रोह देखने को मिलता है, है ना। उसके संदर्भ में एक पॉइंट मेंशन करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक से पराजय के पश्चात इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक से पराजय के पश्चात इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही था ये जब स्थापित हो रहा है, बहमनी साम्राज्य भी इसी समय पर स्थापित हो रहा है, लेकिन फाइनली इनसे पराजय हुई, सब विद्रोहों का दमन किया मोहम्मद बिन तुगलक, फाइनली ये भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं, और वापस जो गुरु विद्यारण्य है उनके प्रभाव में आएंगे, फिर वापस हिंदू धर्म की तरफ ये आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे कि गुरु विद्यारण्य के प्रभाव में आने के पश्चात पुनः हिंदू धर्म में वापसी की। तो थोड़ा सा ये मामला इनका एक विरोध देखने को मिलता है, विद्रोह देखने को मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। ठीक है जी। यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम लोग बुक्का की बात करें तो ये बुक्का जो है इसको बुक्का प्रथम के नाम से भी जाना जाता है ना। इस बुक्का को बुक्का प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, यही है बुक्का प्रथम, और डाल के देख सकते हैं हम लोग, और बुक्का प्रथम, बुक्का प्रथम बोले या हरिहर बुक्का, एक साथ नाम बोल देते हैं तो यही है। बुक्का प्रथम की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही वो मदुरा विजय थी, मदुरा की विजय करता है वो इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, एक पॉइंट बना के इसमें मेंशन कीजिएगा कि बुक्का प्रथम की महत्वपूर्ण उपलब्धि, नेक्स्ट पे लिखें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बुक्का प्रथम की महत्वपूर्ण उपलब्धि, बुक्का प्रथम की महत्वपूर्ण उपलब्धि वो क्या है, बुक्का प्रथम की महत्वपूर्ण उपलब्धि मदुरा की विजय करता है, ये इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, और इसी उपलक्ष में उपाधि धारण की नाम ध्यान रखें बुक्का प्रथम के संदर्भ में, जहां से प्रश्न देखने को मिल सकता है, है ना। वेद मार्ग प्रतिष्ठान, है ना, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, वेद मार्ग मैं लिख दे रहा हूं, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक उपाधि इसकी यहां पे ध्यान रखनी है। क्लियर है जी।
ये बुक का प्रथम के संदर्भ में यहाँ पे ध्यान रखें, इनके संदर्भ में ये जानकारी मिलती है। फिर अगला शासक इसमें आता है हरिहर द्वितीय, जिसके बारे में प्रश्न मिल सकता है। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा पहले, हरिहर द्वितीय। अगला हेडलाइन दीजिए, अगला शासक जो है इस वंश में, अगला शासक जो है वो है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय जिसके बारे में हमें जानना है, ठीक है जी। हरिहर द्वितीय ये बेसिकली बुक्का का पुत्र है, बुक्का प्रथम का ये पुत्र है। यहाँ पे ध्यान रखें, ये कौन है, ये पुत्र है बुक्का प्रथम का, बुक्का का ये पुत्र है। यहाँ पे नाम ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए, अभी तक इस पूरे विजयनगर साम्राज्य में, जो हिंदू साम्राज्य है, कोई महाराजा अधिराज की उपाधि धारण नहीं करता है, ठीक है जी। हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि जो कुषाणों के सामंत हुआ करते थे वो महाराजा की उपाधि धारण करते थे, यानी उनके अधीनस्थ राजा है। तो जब वो स्वतंत्र राजा बन जाते हैं तो महाराजा अधिराज यानी राजाओं का राजा की उपाधि धारण करते हैं। तो इनकी एक उपाधि के बारे में चर्चा मिलती है, तो मेंशन कर लेंगे, महाराजा अधिराज। हरिहर द्वितीय की उपाधि, हरिहर द्वितीय की उपाधि महाराजा अधिराज, महाराजा अधिराज मतलब राजाओं का राजा, है ना, राजाओं का राजा, जिसके बारे में जानकारी मिलती है। महाराजा अधिराज की उपाधि ये धारण करता है। और इसकी सबसे बड़ी सफलता जिसके बारे में चर्चा मिलती है, बहमनी से बेलगांव और गोवा छीन लेता है। बहमनी पे आक्रमण करेगा, उनसे बेलगांव और गोवा को छीन लेगा। इसकी जो उपलब्धि देखने को मिलती है, इसकी उपलब्धि क्या है, बहमनी साम्राज्य से बेलगांव और गोवा छीन लेता है, और गोवा छीन लेता है, ठीक है जी। ये इसके बारे में उपलब्धि मिलती है हरिहर द्वितीय के बारे में। अगला महत्वपूर्ण शासक आता है देवराय द्वितीय। अगले शासक का नाम लिखें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, ठीक है, देवराय द्वितीय। अगला महत्वपूर्ण शासक देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। इसके बारे में एक ही चीज ध्यान रखना है, इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना, एक विदेशी यात्री इस समय भारत की यात्रा कर रहा है, निकोलो द कोंटी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, मेंशन कर लेंगे कि इटली यात्री, हालांकि 1420 में आता है, मेंशन करेंगे इटली यात्री निकोलो द कोंटी, इटली यात्री है, इसमें एक पॉइंट मेंशन कर लेंगे, इटली यात्री निकोलो द कोंटी, निकोलो द कोंटी भारत की यात्रा करता है, भारत की यात्रा करता है, निकोला द कोंटी भारत की यात्रा कर रहा है, इटली का है, किसके समय पे आ रहा है, देवराय द्वितीय। और देवराय द्वितीय कौन है, ये संगम वंश का एक शासक, महत्वपूर्ण शासक, इसके संदर्भ में ध्यान रखें, है ना। एक तेलुगु विद्वान होते हैं श्रीनाथ, उनकी रचना है हर विलास, इसी के समय पर रचित होती है। तो लिख लेंगे तेलुगु विद्वान श्रीनाथ, इसके समय की महत्वपूर्ण घटना, और तेलुगु विद्वान है श्रीनाथ, और इनकी रचना है हर विलास ये इनकी रचना है, ठीक है जी। तेलुगु कवि श्रीनाथ है, इनकी रचना हर विलास है। आपसे प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि हर विलास के रचयिता कौन है, ध्यान रखिएगा श्रीनाथ, ठीक है जी। तेलुगु विद्वान है और देवराय द्वितीय के समय पे है, क्लियर है तक। स्क्रीन शॉट लीजिएगा और नेक्स्ट हेडलाइन दें इसके संदर्भ में, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में, सालू वंश। अगला वंश है सालू वंश, ठीक है जी। सालू वंश के संदर्भ में देखिए, बहुत लिमिटेड प्रश्न देखने को मिलता है। संस्थापक आप जान गए इसके बारे में, सालू नरसिंह इस वंश का संस्थापक, ठीक है जी। बेसिकली विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या करके ये यहाँ पे स्थापित कर रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, किसकी हत्या करके स्थापित किया, विरूपाक्ष द्वितीय, मेंशन करेंगे विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर, द्वितीय की हत्या कर, विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर सालू वंश की स्थापना इसने कर दी, और विद्रोहियों का दमन करने के लिए विजयनगर साम्राज्य को
और छीनने का क्रम इसने कहीं ना कहीं जारी कर दिया, और इसी के चलते इसको कहा गया प्रथम बलपहार। पहला बलपहार मतलब बल के प्रयोग से ही सारा कार्य कर रहा है। प्रथम बलपहार किसको कहा गया है? सालू नरसिंह लिखेंगे, इसी को प्रथम बलपहार मतलब बल के प्रयोग से सब क्षेत्रों को छीनना शुरू करेगा। प्रथम बलपहार की संज्ञा दी गई है, इसी को प्रथम बलपहार की संज्ञा दी गई है। बलपहार की संज्ञा दी गई है, यहाँ पे ध्यान रखें, प्रथम बलपहार मतलब बलपूर्वक क्षेत्रों को छीनना। सालू नरसिंह मेंशन कर लेंगे, बलपूर्वक क्षेत्रों को छीना, प्रथम बलपहार। ठीक है जी, इसके संदर्भ में ध्यान रखें, हालांकि और कोई बहुत विशेष उल्लेख इसके बारे में नहीं मिलता है। अगला देखेंगे तुलुवंश, हेडलाइन दीजिए तुलुवंश। तुलुवंश के बारे में बात करें तो संस्थापक वीरेंद्र सिंह है, हम लोग बात कर चुके हैं। इसको द्वितीय बलपहार कहा गया है ना, इसको द्वितीय बलपहार कहा गया है। प्रथम कौन है ध्यान रखें, द्वितीय बलपहार। ठीक है जी, द्वितीय बलपहार की संज्ञा तुलुव वंश के शासक यहाँ पे वीर नरसिंह को दी गई है, यहाँ पे ध्यान रखें। इसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, 1509 में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगला जो शासक इस वंश में आता है सबसे महत्वपूर्ण, कृष्णदेव राय है ना, कृष्णदेव राय अगला महत्वपूर्ण शासक है इसके संदर्भ में। वीर नरसिंह संस्थापक है, याद रखना है वीर नरसिंह, है ना, नाम तो लिख चुके हैं इसके बारे में, वीर नरसिंह। लेकिन जो अगला महत्वपूर्ण शासक है इस वंश का, जिसके बारे में ध्यान रखना है आपको, अगला जो महत्वपूर्ण शासक है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, इस वंश का सबसे महान शासक है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्वानों को संरक्षण दे रहा है ना। आठ कवियों का उल्लेख मिलता है इसके समय पे, ठीक है जी, जिनको कहा गया है अष्ट दिग्गज, अष्ट प्रधान। हम लोग आगे पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी के संदर्भ में, अष्ट प्रधान है वो, लेकिन अष्ट दिग्गज आठ कवि जो कि इसके दरबार में रहते हैं। ठीक है जी, एक पॉइंट मेंशन करेंगे इसमें कि तेलुगु के आठ महान विद्वानों, लिखेंगे तेलुगु के आठ महान विद्वानों तेलुगु के आठ महान विद्वानों एवं कवियों, कवि थे, विद्वान थे, एवं कवियों को संरक्षण इसी के समय प्राप्त था, को संरक्षण इसी के समय प्राप्त था, इसी के समय प्राप्त था, इसी के समय प्राप्त था। आठ महान विद्वानों एवं कवियों को संरक्षण इसी के समय प्राप्त था, और इन सबको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना गया। इन सबको मेंशन कर लेंगे, इन सबको अष्ट दिग्गज, इन सबको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना गया, के नाम से जाना गया है, इन सभी को अष्ट दिग्गज के नाम से जाना गया है। अष्ट दिग्गज किसके समय पे हैं? तो ध्यान रखें, कृष्णदेव राय कौन से वंश के हैं? तुलु वंश, याद रहेगा। हाँ जी, इनके संदर्भ में ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें इनके संदर्भ में, ठीक है। गोलकुंडा का युद्ध होता है इनका कुली कुतुब शाह के साथ, किसका? कृष्णदेव राय का, एक महत्वपूर्ण युद्ध जिसके बारे में चर्चा मिलती है। तो लिख लेंगे, गोलकुंडा के युद्ध में कृष्णदेव राय, मैं बोल दे रहा हूं, गोलकुंडा के युद्ध में कृष्णदेव राय ने कुली कुतुब शाह को पराजित किया, मेंशन करेंगे गोलकुंडा के, लिख दें आपके लिए, रुकिए, गोलकुंडा के युद्ध में कृष्णदेव राय ने कुली कुतुब शाह
को पराजित किया। इनके बारे में कुली मिलता है, कुली कुतुब शाह के साथ इनका युद्ध होता है और इनको फाइनली हटाते हैं। और इसके बाद ये आंध्र भोज की उपाधि धारण करते हैं। इसके बाद कृष्णदेव राय की उपाधि, कृष्णदेव राय की उपाधि आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण करी? कृष्णदेव राय। अष्ट दिग्गज किसके समय पे हैं? कृष्णदेव राय। कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के युद्ध में किसने पराजित किया? नाम ध्यान रखना है कृष्णदेव राय। यहां से बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। इनके बारे में उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो शासक आता है बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा, हालांकि सदाशिव राय की जानकारी तो मिलती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, अब अगले वंश की तरफ रुख करते हैं और वो है आपका बहमनी साम्राज्य। हेडलाइन दीजिएगा बहमनी साम्राज्य। अगला हेडलाइन दीजिए बहमनी साम्राज्य। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जब हम लोग बात करें तो दिल्ली सल्तनत का जब फाइनली विघटन उसका शुरू हो रहा है, उसी के परिणाम स्वरूप हमने देखा दक्षिण भारत में कुछ राज्य आ गए और उसी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत बहमनी साम्राज्य भी सामने निकल के आता है। जैसे विजयनगर साम्राज्य आया वैसे बहमनी साम्राज्य भी सामने निकल के उसी तरीके से आता है। और इसके संस्थापक है जफर खान। जफर खान ने इस साम्राज्य की स्थापना की। ये तो हिंदू साम्राज्य नहीं है, हाँ विजयनगर जरूर रहा है ना, तो मेंशन करेंगे बहमनी साम्राज्य में कि इसके संस्थापक। देखिए 1347 से लेकर 1358 तक इनका टाइम रहता है जफर खान। हेडलाइन देंगे जफर खान। ये मेंशन कर लेंगे 1347 से लेकर 1347 से लेकर 1358 ईस्वी तक, ठीक है जी, जफर खान। इसी जफर खान को हसन गंगू के नाम से जाना गया है। इसका एक नाम और मेंशन कर लेंगे हसन गंगू। अगर ये विकल्प में ना मिले तो ये आपको विकल्प में मिल सकता है हसन गंगू, ठीक है जी। हाँ जी, इसके बारे में एक पॉइंट लिखें कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? यही है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? यहाँ पे नाम ध्यान रखना है हसन गंगू या जफर खान। बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में बेसिकली होता क्या है कि जितने भी अमीर सरदार हैं, जो अमीर वर्ग के मुस्लिम है ना, वो क्या करता है, इसे अलाउद्दीन हसन है बेसिकली, बादशाह शाह, इन सब की उपाधियों से ये सम्मानित होता है। तो एक पॉइंट मेंशन करेंगे इसमें कि अमीर सरदारों ने इसे अलाउद्दीन हसन और बहमन शाह मेंशन करेंगे। अमीर सरदारों ने इसे अलाउद्दीन शाह और बहमन शाह की उपाधि से नवाजा। बहमन शाह और अलाउद्दीन शाह या अलाउद्दीन हसन भी कह सकते हैं, इससे इसको नवाजा जा रहा है। राजधानी बनाता है कर्नाटक में गुलबर्गा, है ना, राजधानी बनाता है कर्नाटक में गुलबर्गा को ये राजधानी बना रहा है बहमनी साम्राज्य। इसके संदर्भ में ये महत्वपूर्ण पॉइंट। एक और मेंशन करेंगे कि इसने साम्राज्य को शासन करने के लिए चार प्रांतों में बांटा। इसने साम्राज्य पर शासन करने के लिए इसे चार प्रांतों में बांट दिया। चार प्रांत बिल्कुल ध्यान रहे, जो आगे हम देखेंगे आगे आपके लिए यूजफुल होंगे।
पहला है गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, गुलबर्गा, गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, दौलताबाद, ठीक है जी, है ना। उसके बाद बीगर, बीदर और बरार, दूसरा है, अगला है बीदर, बीदर और चौथा है बरार, बरार। तो ये चार क्षेत्रों की जानकारी मिलती है कि जिस मतलब पूरा शासन करने के लिए चार क्षेत्रों में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। फाइनली इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि 1358 में इसकी फाइनली मृत्यु हो जाती है, 1358 में जफर खां की मृत्यु हो जाती है, 1358 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है जी, इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द हम लोग देखेंगे, इसी के इर्द गिर्द देखेंगे मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य जो कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे दक्षिण भारत में वो भी शुरू होता है मराठा साम्राज्य, और काफी ऊंचाइयों तक वो आगे पहुंचता है। मराठा साम्राज्य के संदर्भ में हम देखेंगे अंग्रेजों का भी आगमन हो चुका होगा, यानी मराठा साम्राज्य हम पहले शुरू करेंगे जो हमने सिलेबस में मेंशन किया हुआ था, और आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ रहे होंगे तो कुछ तत्व उनके वहां पे भी देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट बना के लिखेंगे कि बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद, बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद पांच राजवंशों का उदय हुआ, बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद मेंशन करेंगे बहमनी साम्राज्य के, बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद, पतन के बाद पांच राजवंशों का, पांच राजवंशों का उदय हुआ, पांच राजवंशों का उदय हुआ, पांच राजवंशों का उदय हुआ, ठीक है जी। तो पहला, पहला राजवंश है बरार, पहला राजवंश है बरार, दूसरा, ये पांच राजवंश ध्यान रख सकते हैं जो बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद आ रहे हैं, बरार है, अगला है बीजापुर, अगला है बीजापुर, बीजापुर ध्यान रखें, है ना। अगला लिखें अहमदनगर, अहमदनगर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, उसके बाद मेंशन करेंगे गोलकुंडा, है ना, गोलकुंडा, गोलकुंडा, ठीक है। और अंतिम इसके अंदर ध्यान रखेंगे बीदर, जिस क्षेत्र को उसने बांटा था, है ना, अंतिम है बीदर। तो ये विजयनगर बहमनी साम्राज्य में इतने पॉइंट आप लोग जरूर जरूर से जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है आपके एसएससी एमटीएस के लिए तो यहाँ से आपको जरूर देखने को मिल जाएगा प्रश्न, ठीक है जी। तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट नए सेगमेंट की तरफ हम लोग रुख कर रहे होंगे, और तब तक इसको बढ़िया से आप इसको नोट करिए, इसको रिवाइज करिए, यहाँ से आपके एसएससी जो कि एमटीएस के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, इतने पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखने हैं, ठीक है जी। जहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आपने देखा अष्ट दिग्गज वाला मामला कृष्णदेव राय का, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, है ना। तो ये कुछ जितने पॉइंट आपके सामने आए हैं सारे बार बार रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी एक नए सेगमेंट के साथ। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और बिल्कुल प्रयासरत रहें कि ये इस बार एमटीएस आपको निकाल देना है, क्लियर है। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हैव अ नाइस टाइम, जय हिंद।